कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है विश्व दृष्टि दिवस और इस मौके पर हम आज का ये कार्यक्रम अपनी आँखों को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आँखें शरीर का बहुत ही ज़रूरी अंग है। और हमने आपसे यही पूछा था कि आप अपनी आँखों की कैसे देखभाल करते हैं, दुनियादारी के जो रंग आपने देखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा रंग है जो आपके मन को बहुत भाता है। साथ ही हमने आपसे ये भी पूछा कि आपकी आँखों का रंग क्या है और इस तरह से आँखों से जुड़ी आँखों की देखभाल आप किस तरह से करते हैं। ये सारे अनुभव, ये सारी बातें हमने आपसे पूछी और आपने बहुत सी बातें हमें बताई भी हैं। तो हमारे एक साथी कहते हैं कि आंखों से हम ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं, ये भगवान का बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए, जिससे हम अपनी जिंदगी तो जीते ही हैं, उसमें होने वाली कमियों को भी बखूबी देख पाते हैं। पर वहीं ये सोचने में आता है कि जिन लोगों की आंखों में ज्योति नहीं होती वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। अपने मन की आंखों का उपयोग करते हैं और उससे ही ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं। उनको आंखों की ज्योति मिले इसके लिए आंखों का दान जरूर करना चाहिए। हमारे जाने के बाद कोई किसी के पास हमारी आंखें जीवित रहेंगी, इसलिए आंखों का समय समय पर जांच भी करवाते रहिए और ख्याल रखिए, ऐसा इनका कहना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि अगर देखना है तो दूसरों की विशेषता देखिए और अगर कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। पिन सारे कागज को जोड़कर रखना चाहती है लेकिन वो हर कागज को चुभती है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति सभी को जोड़कर रखना चाहता है वो सभी की आंखों में चुभता है। अगर आदमी को देखने लग जाए तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। वहीं हमारी कर साथी कहती है कि जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तो भावनात्मक संवाद का सबसे प्रमुख माध्यम आंखें ही होती हैं। आंखें आत्मा की खिड़की की तरह है। आंखें दूसरों को बता देती हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। हमारी आंखों में छिपी होती है अदृश्य लिपि, जो समझने वाले आंखों की मूक भाषा को बिन कहे समझ लेते हैं। हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग अगर है तो बस है आंखें। आंखें ही मनोभाव को अभिव्यक्त करने का साधन है। आंखों की भाषा को पढ़ने के लिए कई बार उजालों और अंधेरों के मध्य यात्रा करना जरूरी हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी बातें लिखी और बहुत से अनुभव भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं अपने कि किस तरह से वो अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं, क्या करते हैं उसके लिए। ये सारी बातें तो आज होंगी ही लेकिन आपके लिए सबसे पहले हम सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और आप हमें ये बताइए कि इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में तेरे बहारों के हंसते हुए है, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में तेरे बहारों के हंसते हुए, क्या है।
तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें बताया। और कार्यक्रम में आज बातें हो रही हैं आंखों की, क्योंकि आंखों का एक दिन है आज विश्व दृष्टि दिवस। तो हमारे साथी बहुत सी गाने भी लिख भेज रहे हैं जिनमें आंखों का जिक्र है, नजरों का जिक्र है। और हमारे साथी एक जो डायलॉग है वो भी लिखकर भेज रहे हैं, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, इसे याद कर रहे हैं सभी। चिराग फिल्म का ये गीत है, आपने सभी ने बहुत से डिटेल्स इसके बारे में हमें बता दिए। और हमारे साथी कहते हैं आंखों से हम खूबसूरती देखते हैं, जो आंखें हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि हजारों दिलकश ख्वाबों, शायराना ख्यालों का एक कीमती खजाना भी है। कहा जाता है कि आंखें अमूमन दिल की बातें कह जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बातें अनकही रह जाती हैं, लेकिन आंखों के रस्ते वो बयां हो जाती हैं। इसी जबान के चलते आशिक अपनी माशुका की आंखों को देखकर ही उसके दिल का हाल और दर्द दोनों समझ जाते हैं। हर महबूब की मोहब्बत में भी आंखों का जिक्र जरूर होता है, ऐसा हमारे साथी का कहना है। वही हमारे एक साथी कहते हैं कि हमारी फिल्मों में हर शायद ने आंखों का बयान किया है, लेकिन इस गाने में, यानी जो गाना हमने सुनाया तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, इस गाने में शायर मजरूह साहब की बात कुछ और ही है। शायर साहब ने कहा है कि ये आंखें देख के हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। गुलजार साहब कहते हैं कि हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, तो दूसरी ओर आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, ऐसा कहने से भी वे नहीं चूकते। शायर साहब आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कहते हैं, तो राजा मेहंदी अली खां कहते हैं कि नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके आई, एक अंतहीन सिलसिला है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बहुत से गीतों को एक साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की प्रोग्राम में आंखों की बातें हो रही हैं, तो आंखों के बिना हम संसार नहीं देख सकते। ये रोशनी, ये रंगीली और ये नजारे, आंखों के बिना घोर अंधेरा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये गीत इन्होंने साथ में लिख भेजा है। हमारे एक साथी और भी हैं जिन्होंने भी बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जहां विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है, वहीं ये भी विचारणीय है कि क्या विश्व दर्शनीय भी रहा है, ये इनका एक सवाल। और अगर हम अपने नजरिए को बदलें तो ज़रूर हम विश्व को देख सकते हैं अच्छी तरह से, और दर्शन भी हमारा जो होता है वो हमारे नजरिए पर ही निर्भर करता है। वहीं हमारे साथी कहते हैं कि जो बात मुंह से ना कही जा सकी हो वो आपात आंखें कह देती हैं, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि मन की आंखों से सृष्टि दर्शन। अच्छी नजर से देखेंगे तो सृष्टि स्वर्ग समान दिखाई देगी, अगर बुरी नजर से देखोगे तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये सुनना पड़ेगा। आदमी हो या पशु पक्षी, ईश्वर ने इस सृष्टि पर बस रहे सभी जीवों को एक नहीं दो दो आंखें दी हैं। पल भर सोच लो, अगर आंखें न होती तो ईश्वर के दिए आंख रूपी अनमोल रत्न का जतन करना उतना ही जरूरी है। इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ही हर साल ये दिन मनाया जाता है, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने कहा है कि हर साल 12 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। हम ये कह दें कि बता दें इन्हें कि दूसरा जो गुरुवार होता है अक्टूबर माह का, उस दिन ये मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। तो अब जब बातें हो ही रही हैं इतनी, तो क्यों ना आपको एक गीत सुना दिया जाए, और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये गीत किन पर फिल्माया गया है।
ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। देवानंद और शकीला पर फिल्माया गीत आप सुन रहे थे, सीआईडी फिल्म का ये गीत, और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, पर ये तेरी नहीं सभी के लिए। भगवान ने जो दो आंखें दी हैं एक खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए, ये प्रभु की दी हुई बहुत बड़ा प्रभु का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। अब तो उम्र के हिसाब से आंखों पर ऐनक चढ़ गया है, पर इतना ही ख्याल रखती हूँ कि मोबाइल स्क्रीन से बहुत ज्यादा नहीं जुड़ूं, टीवी स्क्रीन से भी बहुत ज्यादा नहीं जुड़े, इसलिए मैं रेडियो सुनती हूँ, कुछ आंखों की एक्सरसाइज भी करती हूँ। आंखों को ठंडक देने के लिए पार्क में जब भी जाती हूँ तो जूते खोलकर हरी घास पर मैं 5 मिनट वॉक करती हूँ। बाहर से आने पर खासकर गर्मियों में नॉर्मल पानी का छींटा दे देती हूँ और धूप में जाना अवॉइड करती हूँ। जरूरत पड़ने पर जाना पड़े तो सनग्लास प्रयोग करती हूँ, आंखों पर जोर नहीं पड़े। मेरी आंखों का रंग ब्राउन है, यानी कि भूरी आंखें हैं इनकी, इन्होंने हमें बताया। और बहुत सारे साथियों ने कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारे एक साथी कहते हैं जैसे देखने का नजरिया होगा वैसा ही दिखेगा।
दिखेगा। वहीं हमारे साथी कहते हैं कि विश्व दृष्टि दिवस पर अपनी दृष्टि अच्छी रखें। ये बिल्कुल सही बात कही हमारे साथी ने। सीआईडी फिल्म के इस गीत को लेकर कुछ और जानकारियां दी हैं। वो कहते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी के गीत हैं, ओपी नैयर का संगीत, गाने में सारंगी का संगीत पंडित रामनारायण ने दिया और निर्माता निर्देशक का नाम भी इन्होंने भेजा है। और इस तरह की जब बातें होती हैं, हमारी बहुत सारी जानकारी आप लोगों के पास होती है और ये बहुत ही आनंद देने वाला होता है कि हमें भी कुछ जानकारियां आपसे मिलती रहती हैं। तो अब हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दृष्टि दिवस पर विषय तो अच्छा कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि भी सड़क मार्ग पर टिकी हुई है। ड्राइव करते हुए तो आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, आंखों को झपकी नहीं आनी चाहिए, ये भी सावधानी जरूरी है। आंखें नीली, भूरी और बिल्लौरी होती हैं। मेरी 5 वर्षीय पोती की आंखों का रंग नीला है और हाँ, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आंखों को ही यह वरदान मिला है कि अचानक आए संकट के समय ये 1 सेकंड से भी कम समय में तुरंत बंद हो जाती हैं। इस तरह हमारी आंखें गंभीर चोट लगने से स्वयं रक्षा कर लेती हैं। ये एक बेहतरीन जानकारी एक बार फिर हमारे श्रोताओं की तरफ से। और अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं और इस गीत में भी देव आनंद तो है ही, लेकिन साथ में कौन है ये बताइए और फिल्म का नाम बताइए। पहला बादल, बादल में प्यादी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब की हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब की हलचल। तेरा इंतजार है, ओ, रंगी है मौसम तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो तो बड़े चंचल, हाँ चल में क्या जी अजब की हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब की हलचल। कट जाए चैन से, झूमे लहराए नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी अजब की हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब की हलचल। 9:11 फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देवानंद के साथ इस गीत में कल्पना कार्तिक नजर आती हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी ने ये भी कहा है कि 9:11 मत हो जाइएगा क्योंकि अगर 9:11 हो गई तो कार्यक्रम का क्या होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम बिल्कुल 9:11 नहीं होने वाले हैं। और हमारे साथी कहती कि छोटी सी आंख आसमान देखने की क्षमता रखती है, लेकिन इसी आंख में अगर कोई तिनका पड़ जाए तो अपनी ही आंख नहीं देख पाती।
अपने बाद कोई और इस आंख को देख सके, इसलिए आंख का दान सबसे बड़ा दान है। अपनी इस रोशनी को दूसरों को दे। ये बात बिल्कुल सही हमारे साथियों ने कही, नेत्रदान की बात। हमारे एक साथी कहते हैं कि मुझे तो आज तक अपनी आंखों का रंग समझ नहीं आया। सब कहते हैं मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर रंग नहीं बताया किसी ने भी। तो हम तो इन्हें यही राय देंगे कि आप अपनी आंखों का रंग अपनी ही आंखों से देखें और इसके लिए आईने की मदद लें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि शरीर का सभी अंग महत्वपूर्ण है, पर आंख सबसे ज्यादा महत्व रखती है। हम आंखों में देख कर ही दूसरों से बात करते हैं। आंखों से हमें अंदाजा हो जाता है कि उसकी मनोदशा क्या है। इशारों में हम बहुत कुछ बयां कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि उनकी दोनों आंखों के रेटिना का ऑपरेशन हो चुका है, छेद हुआ था उसमें, लेकिन अब एकदम ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है कि कुछ परेशानी हो तो उसका इलाज करवा लिया जाए। और अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, परेशानी नहीं, एक बहुत ही झूमता गाता गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और इसमें कौन नजर आते हैं, यानी कलाकार या कहें फिल्म के नायक नायिका कौन है। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। को मन में बसई बातों बुरा का होई है, रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, कोह से प्रीत लगई बा, कोह से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है, प्रेम की नगरी मां कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी मां कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कथक होई बेकरी, प्रेम का चुटी है पटाका तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कथक होई बेकरी। गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला, होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला, गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका, फांस लगे है तो करजवा मां खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा मां खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई बेकरी। थई त थई त थई 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 झाक दिनक दिन झाक, तिनक दिन झाक, दिनक दिन झाक, तिनक दिन झा, आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है, आंख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है, प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक करी, नैना जब नहीं है तो भैया मन में कसक होई दे करी, नैना जब नहीं है तो भैया मन में कसक होई दे करी, नैना जब नहीं है तो भैया मन में कसक होई दे करी। भाई तो भाई तिलक था,
गंगा जमुना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इसमें नायक नायिका फिल्म में दिलीप कुमार वैजयंती माला है। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि पहले फिल्मों में प्यार का इजहार आंखों से किया जाता था, मगर आज ये जगह मोबाइल ने ले ली है और लोग मोबाइल से चैटिंग कर लेते हैं। पर हम ये कहेंगे कि इसमें भी तो आंखों का प्रयोग होता है ना, बिना आंखों के कैसे ऐसा किया जा सकता है। वही हमारे एक साथी कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ट्रकों पर लिखे जाने वाला सबसे अधिक प्रचलित स्लोगन है ये। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि आजकल आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी हो गया है, लगातार कंप्यूटर टीवी फोन के इस्तेमाल से आंखों को बहुत नुकसान हो रहा है। कोरोना काल में तो बच्चों के स्कूल भी लैपटॉप से ही वर्क फ्रॉम होम होने लगे थे, सारे ऑफिस के काम भी वर्क फ्रॉम होम होने लगे थे। कभी भी लगातार स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, पलक झपकाते रहना चाहिए, ड्राई आई की समस्या आती है, इसके लिए आई ड्रॉप भी डालते रहें। हम तो यहाँ यही कहना चाहेंगे कि जो भी आई ड्रॉप डालते हैं पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि आंखें वो नायाब तोहफा है कुदरत का, जिसमें सारी दुनिया की रंगीनी अच्छी बुरी सभी चीजें देखी जा सकती हैं। आंखें तो सभी प्राणियों की होती हैं, लेकिन मनुष्य में इसका अलग ही महत्व है, शरीर के खूबसूरती में भी सहायक है। कवियों ने तो उपमाएं देकर आंखों का बखान किया है अपनी कविताओं गजलों में। जब जुबान खामोश होती है तो आंखें बोलती हैं, अतः आंखों के बारे में जानना और इनकी सुरक्षा करना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे बहुत से साथी हैं जो कहावतों के बारे में कह रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं, ये तो अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, कहावत में ऐसा कहा जाता है, इन्होंने कहा। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें हमारे मनोभावों को भी व्यक्त करती हैं, इसलिए इनको लेकर अनेक मुहावरे गढ़े गए हैं। आंखों की किरकिरी होना, आंख का तारा, आंखों में खटकना, आंखें लाल करना, आंखें मूंदना, आंख लगना वगैरह वगैरह। कुछ दो चार अगर हम जोड़ें तो आंख दिखाना, आंखें चार होना, और इस तरह से भी हम अलग अलग आंखों की जो मुहावरे हैं उन्हें कह सकते हैं। अभी हमने आपको सुनवाया गंगा जमुना फिल्म का गीत, जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला नजर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि दिलीप कुमार और वैजयंती माला ही हैं मुख्य कलाकार एक फिल्म में, जिसका गीत भी कुछ इससे मिलता जुलता है, जैसे नैन लड़ जाई हैं कह रहे हैं, तो कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ कुछ बातें वही हैं। और ये गीत जो है वैजयंती माला पर फिल्माया गया है, जो वो एक मेले जैसी जगह पर नाच रही हैं और दिलीप कुमार उन्हें देखते हैं। ये कौन सी फिल्म है, कौन सा गीत है, आप हमें बताइए। वैजयंती माला इसमें गा रही हैं, गंगा जमुना फिल्म में दिलीप कुमार गाते हैं और इस फिल्म में वैजयंती माला पर फिल्माया गया है ये गीत, दिलीप कुमार भीड़ में खड़े हुए नजर आते हैं। कौन सा गीत है हमें जरूर बताइए, और इस गीत के बारे में बता सकते हैं आप हमें जल्द से जल्द, हमें तो पता ही है आपसे, लेकिन फिर भी आपको एक और हिंट अगर दें तो सलील चौधरी का संगीत है इस फिल्म में। तो हमें बताइए वो कौन सा गीत है, कौन से फिल्म का गीत है। तब तक हम आपको कार्यक्रम में हाजिर होते हैं एक अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज बातें हो रही हैं आंखों की, क्योंकि आज है विश्व दृष्टि दिवस। और अंतराल पर जाने से ठीक पहले हमने आपसे सवाल किया था कि जैसे कि गंगा जमुना फिल्म के गीत में दिलीप कुमार गीत गाते हुए नाचते हुए नजर आते हैं और वैजंती माला फिल्म में है, और उसी तरह से यही जोड़ी एक और फिल्म में है जिसमें वैजंती माला गीत गाती हुई हैं और नाचती नजर आती हैं, लेकिन दिलीप कुमार भीड़ में खड़े हुए उस गीत को देख रहे हैं। कौन सा गीत है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, मधुमती फिल्म के गीत की ही हम बात कर रहे थे, जुल्मी संग आंख लड़ी। और ये गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें नैन नयन चक्षु लोचन नेत्र जैसे कई अलग अलग शब्दों से जिसे जानते हैं, ये आंखें हमारी उन्मुक्त भावनाओं को व्यक्त करती हैं, जिनमें अक्सर आत्मा की खिड़की कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे अभिव्यंजक हिस्सा है, वे केवल संवेदी अंग नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली संचार उपकरण है जो खुशी से लेकर दुख, क्रोध, उदासी, करुणा, उत्कटता, समर्पण, प्यार, विश्वास जैसी असंख्य भावनाओं की न सिर्फ अभिव्यक्ति है बल्कि मनोभावना की संपूर्ण परिणति है। आंखें किसी भी शब्द से अधिक बातें करती हैं, वास्तव में गैर मौखिक भाषा में अधिकांश भावोक्ति के निरूपण का अनुपम साधन है आंखें। तो ये बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारे साथी कहते हैं कि आंखों से उदासी का पता चलता है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है तो कई डिवाइस का हम उपयोग करते हैं और कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। मोबाइल को कम से कम 18 से 20 इंच की दूरी पर रखिए आंख से, आंखों की ब्लिंकिंग बार बार कीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में डिवाइस से बाहर देखिए, दूर देखिए। बच्चों की आंखों में भी अब नंबर बढ़ने लगे हैं तो उन्हें मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और बातों में चढ़ के कह रहे हैं और गाने की बातें भी उन्होंने की हैं। वहीं हमारी एक और साथी कहते हैं कि चेहरे की खूबसूरती पर प्यारी प्यारी आंखें चार चांद लगा देती हैं। किसी का कातिलाना, किसी की नशीली, किसी की बड़ी तो किसी की क्यूट सी छोटी आंखें होती हैं। चाहे आंखें जैसी भी हों लेकिन इनकी अपनी ही एक जुबान होती है। एक सुंदर आंख मौन को वाकपटु बना देती है, एक दयालु आंख विरोध को स्वीकृति बना देती है, और एक क्रोध भरी आंख सुंदरता को कुरूप बना देती है। शरीर का ये छोटा सा सदस्य शरीर के प्रत्येक अंग को जीवंतता प्रदान करता है। आंख भले ही कितनी छोटी हो उसमें पूरे आकाश को देखने का सामर्थ्य होता है। जब इतनी अलग अलग तरह की आंखों की बातें की है इन्होंने, तो चलिए उसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। एक गीत में गुलाबी आंखों की बातें की गई है, वो गीत कौन सा है, किस फिल्म का वो गीत है और नायक नायिका कौन है, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं मधुमती फिल्म से गीत। Thank you.
मेरे मन पे जादू की छड़ी जिनमी संग आंख लड़ी रे मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा कि वो कौन सा गीत है। गीत तो हमने आपको बता ही दिया था, गुलाबी आंखों का जिक्र है उस गीत में। फिल्म का नाम और नायक नायिका का नाम हमने आपसे पूछा था। द ट्रेन फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। और साथ ही आपने बताया राजेश खन्ना और नंदा का नाम भी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि दुनिया की सारी खूबसूरती हमारी आंखों की बदौलत ही है। काली कजरारी आंखें, झील सी गहरी आंखें, नीली आंखें, बिल्लौरी आंखें, भूरी आंखें, मध भरी आंखें, इस धरती के सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत और ईश्वर प्रदत्त बेहतरीन नगीने हैं आंखें। कुदरत ने इन आंखों को केवल देखने की शक्ति ही नहीं दी बल्कि अभिव्यक्ति की क्षमता भी दी है। इसलिए तो आंखों को दिल की जुबान कहा गया है। आप कुछ बोले बगैर भी सब कुछ बोल देती हैं। जब किसी की घूरती निगाहों से हमारी नजरें टकराती है तो हम तुरंत असहज हो जाते हैं। वहीं हमारे साथी कहते हैं आंखें एक ऐसी चीज है जो सम्मान भी दिलवाती है और राह चलती महिलाओं को गलत इशारा कर दो तो सरेराह इज्जत भी उतरवा सकती है। यानी आंखों से पता चल जाता है कि किस तरह की भावना सामने वाले व्यक्ति के मन में है और उसकी उस भावना से ही हम अपनी अभिव्यक्ति को क्या कह सकते हैं, हमारी भी प्रतिक्रिया उसी तरह से आती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब एक उम्र के वो हुए तब से आंखें सेकने लगे और जब आंखों को आराम देने की जरूरत महसूस होती है तो कभी कभी एक आंख बंद करके उन्हें आराम देते हैं, ये उनकी आंखों की देखभाल है। वही हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने नेत्रदान किया हुआ है और जब उनके जाने के बाद दुनिया कोई और देख सके उनकी आंखों से, इसलिए उन्होंने नेत्रदान किया है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि उनकी मम्मी ने आंखें दान करने का संकल्प लिया है इसलिए वो उनकी ज्यादा देखभाल करती हैं जिससे किसी की दुनिया रोशन हो सके। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं आंखें भगवान का इंसान को दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है। कहते हैं आंखें गई तो जहन गया, उनके संभाल बहुत जरूरी होती है। कम से कम वापस घर आके शीतल पानी से अपनी आंखों में छींटे मारने चाहिए तो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और हमारे एक और साथी कह रही कि उनकी आंखें काले रंग की हैं और इन आंखों को 64 सालों से वो देखते आए हैं। अब आंखें बहुत कुछ देखती हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो इतनी सारी बातें जब हो गई हैं तो क्यों ना आपको दूसरा गीत सुनवाया जाए और आप हमें बताइए कि इस गीत में आवाजें किन की हैं। नट फटने ना मन मेरा कहना
तेरे बाबूदे हो गोली दो नैना तेरे बाबूदे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म से। हमारे एक साथी कहती हैं कि आज का विषय आंखें नजरें निगाहें मतलब सभी का एक ही है, बस रोशनी होनी जरूरी है। निदा फाजली जी की गजल है, यही कहती है, उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई, तो आंखें प्यार तो बरसाती ही हैं, गुस्सा भी झलकता है जब किसी की से नाराजगी हो, तो कभी कभी बच्चे ही क्या बड़े भी सिर्फ आंखों से ही डर जाते हैं, लेकिन जब भगवान आंखें ना दे या रोशनी छीन ले तो उस व्यक्ति का दर्द वो ही समझता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये कव्वाली भी यही बयां करती है। बहुत सारे गाने आंखों की मस्ती पर बने हैं, बहुत सारी लाइनें हैं जो गिन नहीं सकते, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा दिया हुआ वो महत्वपूर्ण अंग है जिसे बिना इंसान का जिसके बिना इंसान का जीवन व्यर्थ है। फिर भी इंसान के चेहरे की खूबसूरती इन्हीं आंखों से है। आंखों में रोशनी के साथ उस इंसान के स्वभाव जैसे प्रेम क्रोध ईर्ष्या कुंठा खुशी इत्यादि को प्रकट करने का काम भी करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आंखें दिल और दिमाग का आईना होती हैं। मेरी आंखों का रंग कैसा है ये तो कभी गौर ही नहीं किया। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि उन्होंने गीत लिख भेजा है, उन्होंने अपनी बात की बगैर। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें कुदरत का नायाब उपहार है हमारे लिए और इनमें से हम सारे जहां की खुशी गम दुख सुख देखते हैं। आंखें दिल का दर्द कहती हैं, आंखें अमूमन दिल की बात कहती हैं। कविताओं में भी कई बातें कही गई हैं, गीतों मुहावरों में आंखों की खूबसूरती और भाषा को बयान करने की कोशिश की गई है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो अनकही रह जाती हैं लेकिन आंखों के रास्ते बयान होती हैं। तो शायर या कवि आंखों की भाषा को न केवल बखूबी समझने की कोशिश करते हैं और आंखों के बारे में बहुत सी बातें भी लिखते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं आंखें हमारे मनोभावों को भी व्यक्त करती हैं, इसलिए इनको लेकर अनेक मुहावरे गढ़े गए हैं जिनके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। हमारी एक और साथी का कहना है कि ईश्वर निर्मित चराचर सृष्टि हमें दिखलाने वाले बहुमूल नयन आंखें चक्षु नेत्र अक्ष लोचन दृष्टि इन नामों से परिचित हैं। किसी के नेत्र बड़े किसी के छोटे और प्रादेशिक विशेषताएं लेकर आने वाले नयन रम्य नयन काले भूरे नीले हरे शहद जैसे रंग वाले नयन हिंदी गीतों के गुलाबी शराबी जुल्मी मदभरे मतवाले नयन सुंदर चमकदार आरोग्य संपन्न विशाल नयन चेहरे का एक सुंदर अलंकार बन जाते हैं। नयन मन का आईना भी कहलाते हैं, इसलिए अनेक बुरी बातों से नेत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए और आज जागतिक दृष्टि दिन के उपलक्ष्य में नेत्रदान का संकल्प भी रखना चाहिए। तो अब इतने सारे संकल्पों के साथ गीतों का संकल्प न छूट जाए इसलिए आपको सुनवाते हैं एक गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए किसकी आवाज है। डिग्री गोरी गुस्से में ना आओ गोरी गुस्से में ना आओ अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ जाओ ये है छोटी डिग्री इसको कूड़े में फेंकाओ इसको कूड़े में फेंकाओ जाए भाड़ में ऐसा प्यार तेरे ये नखरे हैं बेकार हमको गुस्सा ना दिलाना बकवास करके हमसे बीत लगाना भी ये बात करके वो भी ये बात करके दीदी ये बात करके ये नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ इश्क में एमए पास बीए नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ इश्क में एमए पास जी तुम क्या जानो मिस्टर मजनू दोस्त थे मेरे खास अजीब उस्ताद थे मेरे खास जंगल में तुम दोनों जाकर करो इकट्ठी खास चले आए हो तुम अक्ल का सत्यानाश करे
दी भी ये पास करके की हाय तूने कदर न जानी डिग्री के पीछे तू तो हुई है दीवानी इश्क की हाय तूने कदर न जानी डिग्री के पीछे तू तो हुई है दीवानी गुड बाय गुड बाय गुड बाय ओ मेरी रानी मैंने मरने की है ठानी मेरे बाल माना जाना दिल उदास करके हमसे पीत लगाना भी ये बात करके ओ भी ये बात करके जी भी ये बात करके हमसे नैन मिलाना भी ये बात करके हमसे पीत लगाना भी ये बात करके ओ भी ये बात करके जी भी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और मुकेश की आवाज में बिल्कुल सही पहचाना आपने हमारे एक साथी कहते हैं देखो आप समझा लो इन्हें आपकी आंखें घात किया करती हैं बिना किसी बात के ही अक्सर हमसे बात किया करती हैं तो इस तरह से इन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई हमारे एक साथी कह रही कि जब सब कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं अपनी आंखें मुझे बहुत पसंद हैं इसलिए मैं हमेशा काजल लगाती हूं किसी की नजर ना लगे और अपनी आंखों को अच्छे से ख्याल भी रखती हूं तेरे वो कह रहे हैं और उन्होंने आगे गीत लिखे हैं तो ये भी बहुत एक तरीका होता है अपने आप को अपनी आंखों को अपने व्यक्तित्व को पसंद करना भी बहुत जरूरी होता है हमारे एक साथी कह रहे हैं मेरा अनुभव है इंसान से ज्यादा प्रकृति पशु पक्षी आंखों के इशारे समझ जाते हैं मुझे हैरानी होती है जब हमारा डॉगी न केवल आंख बल्कि हमारे हर हाव भाव पर वैसा ही काम करता है जैसा हमने सोचा होता है बाहर के डॉगी गाय बगैर को भी अगर गौर से देखेंगे तो सीधा आपकी आंखों में ही झांकते हैं और आंखों के भाव के अनुसार किसी के लिए जगह बना देते हैं किसी को परेशान करते हैं दूसरे साथी का कहना है बात व्यक्ति जुबान से नहीं कह पाता अक्सर उन बातों को वो अपनी आंखों से कह देता है व्यक्ति की आंखें उनके शब्दों पर अधिक प्रभाव डालती हैं आंखें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि कई बार हम आंखें देखकर ही सामने वाले व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को जान लेते हैं आंखें भी कई आकार और रंगों की होती जैसे गोल छोटी गहरी और लाल नीली काली आदि तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बात आपने लिखी हमारे एक और साथी ने कहा कि आज का विषय सुनकर बैठे बिठाए आज पापा ने अपने दिल की बात बता दी कि वो मम्मी की कजरी आंखों पर आंखों की वजह से हाँ कर दिए थे शादी के लिए क्योंकि उन्हें कजरारी आंखें बहुत पसंद थी और इनकी माताजी मुस्कुरा रही हैं तो अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं हम और इस गीत के साथ ही हम आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा खेल है जिसमें आंखों पर पट्टी बांध कर दूसरों को छुआ जाता है या पकड़ा जाता है आसपास बहुत से लोग होते हैं और आंखों पर पट्टी बांधता है एक व्यक्ति जो बाकी लोगों को खोजता है या कहीं छूने की कोशिश करता है तो उस खेल का नाम बताइए तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे मैंने गाहें चाह रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा तेरी आंखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया तौबा 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 वो नशा है कि बताऊं कैसे
मैंने गाए। शोख नजरे ये शरारत से ना बाजाएगी कभी रूठे पलट जाएगी तुझसे निभ जाएगी निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी मैं इनसे निभाऊं कैसे मैंने गाए तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे मैंने गाए तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। आपकी परछाइयां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था सवाल कि आंखों को बंद कर दिया जाता है, पट्टी से बांध दिया जाता है एक व्यक्ति की और बाकी सब उसके इर्द गिर्द होते हैं जिन्हें वो छूने की कोशिश करता है, वो खेल कौन सा है। हमारे साथियों ने बहुत सारे नाम लिखे लेकिन आंख मिचौनी या आंख मिचौली सही जवाब है। लुका छिपी तो बिल्कुल नहीं है, इसमें छिप जाते हैं और दूसरा व्यक्ति खोजता है अपनी खुली आंखों से। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं और हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है। देखिए पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई ये सारे बहुत सारे नाम उन्होंने बताए लेकिन आंख मिचौली ही सही नाम है। अब बताइए गीत जो सुनवा रहे हैं कौन सी फिल्म का है। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम मैं कैसे नाम लूं का जो दिल में रहते हैं हरदम छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम कैसे नाम लूं का जो दिल में रहते हैं हरदम न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे तुम्हारा आए न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे तुम्हारा आए कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हूँ मैं कैसे नाम लूं का जो दिल में रहते हैं हरदम हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं दिखा दो दिल हमें अपना भाभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। अपनी आंखों का रखिए खास ख्याल और जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।